नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं सालासा टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, अभी के टाइम सालासा टेक्नो में एक बार फिर से आज बड़ी अपर सर्किट नज़र आई है। फिलहाल दोस्तों इस रैली के पीछे की बड़ी रीज़न क्या होने वाली है वो भी आप लोग को विदन प्रूफ बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों अभी के लिए कंपनी के रिजल्ट्स पर क्या अपडेट नज़र आ रही है, क्या कंपनी इस रिजल्ट के अंदर दोस्तों डिविडेंड बोनस या कुछ अदर स्प्लिट पे आउट करेगी या नहीं, तो उस पर क्या असर रहने वाली है। प्राइस के रूप में अगर बात की जाए तो प्राइस आज 1995 पर काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली है। मार्केट की आज ओपनिंग नज़र आई थी दोस्तों 1900 के साथ, और लास्ट क्लोजिंग भी दोस्तों 1900 के ऊपर ही नज़र आई थी। पर इस बीच दोस्तों लगातार जो मार्केट का जो अपर सर्किट का जो जंप है वो कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आया, और लगातार दोस्तों मार्केट में बायर्स का जो दबदबा था वो कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को फिर से नज़र आया। क्योंकि लगातार दोस्तों इस स्टॉक में जो गिरावट थी वो भी देखने को मिल रही थी, टोटल जो मार्केट था वही डाउन देखने को नज़र आ रहा था। इसका रीज़न मैंने आप लोग को बताया था कि FII के इन्वेस्टर अपना पैसा वापस निकाल रहे हैं। पर अभी के लिए लास्ट सिंगल 5 सेशन पर अगर बात की जाए तो रिवर्सल का जो कमबैक है वो 20 रुपये 10 पैसे तक जो मार्केट गिर चुका था, 18 रुपये 70 पैसे तक लगातार जो गिरावट थी वो भी हमें नज़र आई, पर आज मार्केट में वापस जो रिकवरी नज़र आई है। तो दोस्तों अभी के लिए अब जो यहाँ पर लगभग जो देखने को मिल रहा है कि ऑपरेटर्स का जो ट्रेप है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और हमारे पास दोस्तों एक बार फिर से अच्छी खासी जो प्रॉफिट है वो अब देखने को वापस नज़र आ सकती है। क्योंकि लगातार इस स्टॉक पर जो काफ़ी ज़्यादा जो गिरावट थी वो भी हमें नज़र आ रही थी, लॉसेस पे लॉसेस जो थे वो कहीं ना कहीं काफ़ी अधिक देखने को मिल रही थी। पर अब दोस्तों गिरावट थमती हुई नज़र आ रही है, और मार्केट में दोस्तों पेशेंस बनाने का जो वक्त है वो फिर से नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी के लिए कंपनी का जो रिज़ल्ट है, जहाँ तक आउटलुक देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो रिज़ल्ट है वो 26 से 28 मई के बीच देखने को मिल सकता है, पर अभी तक दोस्तों इस चीज़ पर कोई ऑफिशियल जो डेट है वो जारी नहीं की गई है। तो अभी के टाइम दोस्तों जितना हो सके स्टे पेशेंस हम रख सकते हैं। उसका पीछे का रीज़न ये होगा कि कंपनी के अंदर दोस्तों अगर ऑपरेटर्स का जो ट्रेप आज अगर टोटल ख़त्म हो जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो रिवर्सल है वो पॉजिटिव नज़र आ सकता है, और हमें दोस्तों अभी के लिए प्रॉफिट बनाने का भी अच्छा खासा हमें मौका देखने को मिल सकता है। क्योंकि लगातार लास्ट 1 महीने की अगर हम बात करें तो 21 रुपये 20 पैसे से, और अगर 6 महीने की अगर बात की जाए तो 6 महीने के अंदर दोस्तों जो प्राइस लगातार गिरी वो यहाँ पर 33 रुपये 95 पैसे से गिरावट बढ़कर जो नज़र आई हमें काफ़ी वीकनेस के साथ देखने को नज़र आई। क्योंकि लगातार दोस्तों जो 41 फीसदी की जो गिरावट थी वो हमें नज़र आई, पर शेयर पर लॉस की अगर बात की जाए तो 14 रुपये का पर शेयर पर लॉस नज़र आएगा। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी बड़ी गिरावट भी देखने को मिली थी, पर कंपनी के रिजल्ट्स अब काफ़ी जल्द हमें देखने को मिल सकते हैं। कंपनी इस रिजल्ट के अंदर दोस्तों अगर डिविडेंड पर अगर विचार करती है तो कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव डेटा देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट कंपनी जो है कर्ज मुक्त तो देखने को मिल रही है। तो इस वजह से कंपनी का जो ओपिनियन है वो दोस्तों डिविडेंड की तरफ अगर जाता है तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स के लिए दोस्तों सोने पर सुहागा, गोल्डन चांस यहाँ पर बन सकता है। और अभी के लिए दोस्तों कंपनी के रिजल्ट में पॉजिटिव प्रॉफिट देखने को नजर आएंगे। इस चीज़ को अभी के टाइम हम नोट कर सकते हैं कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो 100% देखने को पॉजिटिव नजर आएगा। रीज़न का देखने को मिल रहा है कि दोस्तों कंपनी के लगातार जो सेल थी वो काफ़ी अच्छे बढ़ती हुई नज़र आ रही थी, क्योंकि लगातार मार्केट में दोस्तों स्ट्रॉन्ग डेटाबेस हमें कहीं ना कहीं कंपनी ने दोस्तों प्रदर्शित किया, और आगे चलकर कंपनी का जो डेटा है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आ सकता है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन और फिर सेलेक्ट कर लेना। साथ ही साथ दोस्तों अभी के टाइम आज के इंट्राडे की वॉल्यूम पर अगर हम बात करें दोस्तों, आज के इंट्राडे की वॉल्यूम 21.71 लाख के देखने को नज़र आएगी, जिसमें वैल्यू पर अगर हम खासकर चर्चा करें तो 4.30 करोड़ की वैल्यू नज़र आई आज के इंट्राडे के ऊपर, जो काफ़ी अच्छी रही है। क्योंकि लगातार डिलीवरेबल क्वान्टिटी आज के इंट्राडे की अगर बात की जाए तो वो भी काफ़ी अच्छी नज़र आई है, जो 58.12 फीसदी के देखने को नज़र आई है। क्योंकि लगातार दोस्तों आज के इंट्राडे के ऊपर 21,70,000 शेयर का दोस्तों आज के इंट्राडे के ऊपर कारोबार नज़र आया, जिसमें 12,61,414 शेयर दोस्तों नेक्स्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए जो होल्डिंग पे नजर आई। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा शेयर होल्डर्स का जो ट्रस्ट है वापस कम बैक करता हुआ नज़र आ रहा है। जो मार्केट में भी दोस्तों अगर बात की जाए खासकर भारतीय बाजारों के ऊपर, तो वो भी काफ़ी अच्छी देखने को रैली नज़र आई है, जो काफ़ी पॉजिटिव डेटा देखने को मिला। पर नेगेटिव पॉइंट ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी अभी एक टाइम ASM लिस्ट में देखने को नज़र आ रही है। तो दोस्तों कंपनी ASM लिस्ट से बाहर कब निकलेगी, तो उस चीज़ पर मैं आप लोग को क्लियरेंस दे दूँ कि कंपनी दोस्तों 90 दिन तक लगातार दोस्तों जो है ASM लिस्ट के अंदर देखने को मिलती है, और 90 दिन का दोस्तों जो टाइम अवधि खत्म होती है तो उसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिकली जो है कंपनी ASM लिस्ट से बाहर आ जाती है। ये अभी एक टाइम कंपनी की डेटाबेस की जो जानकारी है वो देखने को नज़र आ रही है। तो मैं तो दोस्तों आप लोग पर्सनल जो गाइडेंस है वो यही करूँगा कि फिलहाल अभी टाइम कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव आएंगे, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मौका हमारे पास देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों अभी टाइम जो इलेक्शन की वजह से दोस्तों FII के जो इन्वेस्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक है, और अपना जो पैसा है वापस निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस चीज़ में कंपनी का जो लॉसेज है वो काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को नज़र
नज़र आएगा। और इसी के चलते दोस्तों इलेक्शन तक इस प्रकार की जो गिरावट है हमें ज़्यादातर देखने को नज़र आने वाली है। तो अभी के टाइम दोस्तों लगातार जो प्रॉफिट है वो अभी के टाइम काफ़ी कम रहेगा, पर लॉसेज जो है वो काफ़ी अधिक रहेंगे, पर रिजल्ट जो है दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव नज़र आएगा। तो फिलहाल हमें लगातार जो डेटाबेस है वो कंपनी का पॉजिटिव ही नज़र आने वाला है। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पैनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।